नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी पर। श्वेता के साथ में आप देख रहे हैं प्रोग्राम शख्सियत, जिसमें हर बार हम आपको एक नई शख्सियत से रूबरू कराते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो ना कि एक आईएएस है, ना कोई आईपीएस है, ना कोई मंत्री है, ना कोई सांसद है। आज हमारे साथ मौजूद हैं शिक्षा के महानायक जगदीश गांधी जी, जिनसे आज हम उनकी जर्नी पे बात करने वाले हैं। तो सीधे बात करते हैं जगदीश गांधी जी से। सर, आपका हमारे इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर, हम लोग हर बार अपनी शख्सियत में एक नई शख्सियत से बात करते हैं, उनकी जर्नी पे बात करते हैं, तो ऐसे ही आज हम आपकी जर्नी पे बात करने वाले हैं। तो सर, हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आपका जो फैमिली बैकग्राउंड था, आप किस परिवार से संबंध रखते थे, कैसा आपका परिवार था और कैसी आपकी स्टार्टिंग, आपका पर्सनल लाइफ कैसी थी? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं कोई शख्सियत, यानी कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ जिसकी कोई शख्सियत हो। मैं साधारण एक टीचर हूँ, एक बहुत ही छोटा आदमी हूँ। और मेरे जहाँ मेरा जन्म हुआ, बहुत ही एक निर्धन परिवार था और गांव में एक फूस की झोंपड़ी में हम रहते थे। हमारे पिताजी विलेज क्लर्क यानी पटवारी लेखपाल थे गाँव के, और गांव तक जाने के लिए कोई सड़क नहीं थी। पगडंडियों से जाते थे, खेतों से होकर जाते थे। तो वहाँ मेरा जन्म हुआ और वहीं के प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई भी हुई। बरी के नगलाई पर चले गए, तो बहुत ही गरीबी में हमारा लालन पालन हुआ और एक फिर धीरे धीरे करके हमारे जो चाचा जी थे प्रभुदयाल जी, वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और वो महात्मा गांधी जी के साथ जेलों में जाते थे और जब भी लौट के आते तो वो महात्मा गांधी जी की बारे में बहुत सारी बातें बताते थे कि उनका कितना त्याग है, कितना बलिदान है, कितना सेवा की भावना है और कितने वो कष्ट उठा रहे हैं जेलों में। तो हमारे मन में गांधी जी के लिए बड़ी श्रद्धा उत्पन्न हुई और हमने चाचा जी से कहा कि हमको कभी दर्शन कराइए उनके। तो उन्होंने कहा कि अभी तो मुश्किल है, क्योंकि अभी आज़ादी की लड़ाई में आए दिन वो जेल में ही रहते हैं, कभी दो चार दिन के लिए छूट के आ जाएं तो आ जाए, अंतर जेल में रहते हैं। लेकिन अब आज़ादी मिलने वाली है और जैसे ही आज़ादी मिल जाएगी वैसे हम आपको मिलवा देंगे। तो वो आज़ादी मिल गई 15 अगस्त को, लेकिन 5.5 महीने के अंदर उनको शहीद कर दिया गया। आज़ादी मिलने के बाद काफ़ी, एक तो 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और उसकी वजह से बहुत हिंदू मुस्लिम दंगे शुरू हो गए और ट्रेन की ट्रेनें लाहौर से कराची से आ रही थी, जिसमें हिंदू लोग वहाँ से आ रहे थे और गांधी जी नोआखाली में चले गए, जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा झगड़ा था और बहुत मारपीट चल रही थी। तो इसलिए गांधी जी उस समय बिल्कुल खाली नहीं थे। और उसके बाद 30 जनवरी 1948 को उन्हें शहीद कर दिया गया, उनको गोलियाँ मार दी गई और वो प्रार्थना सभा में जा रहे थे, उस समय गोली मार दी गई, उनकी मृत्यु हो गई। तो ये बात जब है करीब हम 11 वर्ष की उम्र के थे, गांव में थे, तो एक टीचर के घर से हम पढ़ के आ रहे थे। शाम का समय था, 5:30 या 6 बजे का, और हमने देखा एक पेड़ के नीचे 40-50 लोग खड़े हैं, गुम सुम, कोई बात नहीं कर रहा है। तो हमने कहा भाई, एक आदमी से पूछा ये क्या बात है, सब चुपचाप खड़े हैं, क्या क्या बात है ये? तो उसने कहा बड़ी बुरी खबर है। हमने कहा क्या खबर है? बोले गांधी जी को किसी ने गोलियां मार दी हैं और गांधी जी की मृत्यु हो गई है। वो इतना बड़ा शॉक था मेरे लिए, इतना बड़ा एक धक्का था मेरे लिए कि अब मैं कभी गांधी जी के दर्शन नहीं कर पाऊँगा, उनका आशीर्वाद पर्सनल नहीं ले पाऊँगा। तो फिर मैंने जगदीश अग्रवाल मेरा नाम है, तो मैंने अपने नाम बदल के जगदीश गांधी कर लिया।
और मिल के कपड़े सब मैंने उतार के वहाँ गरीबों में बांट दिए, खद्दर के कपड़े बना लिए, और जगदीश अग्रवाल थे, जगदीश गांधी अम्मा के, और हमने स्कूल में हमारे पिताजी से कहा कि दरख्वास्त दे दीजिए कि हमारा नाम जगदीश अग्रवाल से बदल के जगदीश गांधी कर दिया जाए। सर, आपका जन्म जैसे आपने बताया कि एक गरीब किसान परिवार से आपका जन्म था, तो आपकी जो शुरुआती पढ़ाई थी वो कहाँ से हुई और किस तरीके से? मैं गांव में बरसोली में ही पढ़ा, प्राइमरी स्कूल में, और उसके बाद एक बरी का निकला और गांव था मेरे ख्याल से 2-3 किलोमीटर पर था, तो मैं वहाँ जाता था, वहाँ से मैंने 5वीं तक की पढ़ाई करी और उसके बाद में फिर मैं पुरदुल नगर में पढ़ने लगा, तो वहाँ से 6ठा 7वां 8वां मैंने पास किया और 9th में करने के लिए मैं वहाँ चला गया सिकंदराव में, एक GS कॉलेज है उसमें मैंने दाखिला ले लिया, तो 9th और 10th दो साल वहाँ से पढ़ाई की, और उसके बाद 10th के बाद मैं एक नैनीताल में ताकुला में कैंप था उसमें गया हुआ था, तो वहाँ मैंने एक मैगजीन किसी पर देखी, चंपा अग्रवाल कॉलेज मथुरा की, इसमें था कि इस स्कूल के एक बच्चे ने टॉप किया या कोई मेरिट में पोजीशन पाई है यूपी की इंटरमीडिएट में, तो मैंने कहा कि मैं यहीं जाऊंगा, तो मैंने पिताजी से कहा कि मुझे चंपा अग्रवाल कॉलेज मथुरा में भर्ती करा दीजिए और मेरे खाने पीने का इंतजाम कर दिए, तो उन्होंने वहाँ मेरे का दाखिला करा दिया, और कुछ लड़के एक कमरे को किराए पे लेके रहते थे, वहीं खाना वाना अपना बनाते थे, उन्हीं के साथ मुझे रख दिया, तो मैं भी अपना खाना बनाता था, खाता था और वहाँ पढ़ता था। तो इस तरह से मेरी प्राथमिक पढ़ाई अप टू इंटरमीडिएट तक की ये हुई है। अच्छा सर, जैसे आपके जो घर के जो हालात थे कि बहुत मतलब संपन्न परिवार से नहीं था, तो आपको पढ़ाई के साथ साथ और क्या क्या चीज़ें मैनेज करनी पड़ती थी, किस तरीके से आप मैनेज करते थे, किस तरीके से हाथ बटाते थे अपने घर? जैसे मथुरा में आ गया तो रोटी बनाना, बर्तन चौका बर्तन करना, ये सारे काम हम खुद ही करते थे, और कभी कभी हम लोग ये तय कर लेते थे कि भाई आज सबकी सब्जी और रोटियाँ बनाएंगे, तो कभी कोई और बना देता था, तो इस तरह से मजदूर के भी काम हम कर लेते थे, तो इस तरह से हमारा चला। और वहाँ पर हमको एक कुछ आंदोलन करने की, हमने एक नशाबंदी सम्मेलन आंदोलन किया कि कोई नशा न करे, फिर बच्चे जो बीड़ी सिगरेट पीते थे उनके खिलाफ आंदोलन किया कि कोई बीड़ी सिगरेट नहीं पिएगा, फिर हमने एक आंदोलन समय किया, बच्चे बाल बाल बहुत बढ़ा के रखते थे, तो हमने कहा नहीं, गोटमुंड रहना चाहिए और बच्चों को तो विद्यार्थी जीवन में तो एक सादा जीवन का होना चाहिए, तो इस तरह की चीज़ें हम करते रहते थे। अच्छा सर, फिर उसके बाद आप स्नातक की पढ़ाई के लिए लखनऊ आए, उसमें भी आप हाँ, कई वो थे। फिर इंटरमीडिएट करने के बाद हम लौट के चले गए सिकंदराव में, और सिकंदराव में हमारे एक थे कृष्णकांत देव गर्ग जो हमें इंग्लिश पढ़ाया करते थे, तो उनके पास हम गए, मैंने कहा हमने इंटरमीडिएट तो पास कर लिया है, रिजल्ट आ गया है, अब हमारा BA में कहाँ जाएं? तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे जान पहचान के एक दो प्रोफेसर हैं BHU में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, तुम वहीं चले जाओ, मैं चिट्ठी लिख देता हूँ, तुम्हारा दाखिला हो जाएगा। तो हम और एक और लड़का था महेंद्र सिंह, हम दोनों बनारस गए। अब बनारस में अब तो पूरा शहर बस गया है वहाँ तक, लेकिन शहर से उस समय बनारस यूनिवर्सिटी बहुत दूर थी और कोई आसपास में शहर नहीं था, तो हमारा प्रोग्राम ये था कि हम ट्यूशन करके पढ़ाएंगे, उससे गुजारा करेंगे और अपनी पढ़ाई करेंगे। तो लेकिन जब यूनिवर्सिटी में हम गए तो हमने देखा कि तो बहुत दूर है शहर से, और मेरे ख्याल से उस समय शायद 10-12 किलोमीटर रही होगी, तो 10-12 किलोमीटर जाना और आना, इसके बाद हम इतने थक जाएंगे कि ट्यूशन नहीं कर पाएंगे और बिना ट्यूशन के हमारा गुजारा नहीं होगा, तो फिर ये सोचा
कि भाई कोई यूनिवर्सिटी ऐसी हो जो कि शहर के अंदर हो। तो लोगों से पूछा हमने, तो उनका एक तो लखनऊ यूनिवर्सिटी है और शहर के अंदर है, और एक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, दो यूनिवर्सिटी शहर के अंदर है। तो हमने कहा भैया चलो कहीं भी चलते हैं। तो हमें लखनऊ का नहीं था, तो हम स्टेशन पे आ गए। महेंद्र को मैंने कहा कि भैया तुम लाइन में लगो, और लाइन में वो लग गया। और बार बार वो पूछे कि कहाँ की ले लें, लखनऊ की कि इलाहाबाद की। अरे हमने कहा यार कहीं की भी ले लो, मैंने लखनऊ ने देखा, मैंने न हमने लखनऊ देखा न कभी इलाहाबाद देखा है, चाचा की ले लो, दोनों यूनिवर्सिटी हैं, हमें तो ट्यूशन चाहिए जिससे कि हम गुजारा कर सकें। तो वो लाइन में लगा, वो टिकट बाबू के पास पहुंच गया, मतलब नंबर आ गया उसका। तो टिकट बाबू ने पूछा कहाँ की टिकट लोगे, फिर उसने मुझसे पूछा। तो टिकट बाबू झल्ला के बोला कि अरे बेवकूफ़ तुम्हें यह नहीं मालूम कहाँ जाना, लो लखनऊ की टिकट। बोले साहब कहीं की दे दीजिए, लखनऊ या इलाहाबाद की। उनके लो लखनऊ की जाओ। ऐसे थे बेवकूफ़ आते जिन्हें यही नहीं मालूम कहाँ जाना है। तो उन्होंने लखनऊ की टिकट दे दी, तो हम लखनऊ आ गए। तो लखनऊ, लेकिन यह है कि लखनऊ लक यहाँ जो आता है वो लकी हो जाता है। और नाउ मैंने तुरंत इसी समय लक आपका खुल जाता है कि आपने लखनऊ में कदम रखा। खैर ये तो हंसी की बात है। तो लखनऊ में हम आ गए, और हमारे पास एक बक्सा था जिसमें रजाई था, गद्दा था, चद्दर थी, हमारी किताब कॉपियाँ थी, सब अपने सर पर रखा हमने। चारबाग स्टेशन से उतर के तो लोगों ने कहा कि भाई तुम तांगे से चले जाओ, उनमें तांगे चलते थे या तो हमने कहा भाई तांगे का पैसा तुम नहीं दे पाएंगे, तांगे का किराया होगा। तो शायद उस समय चौहनी था या अठन्नी था, तो हमने कहा हम इतना नहीं दे पाएंगे। तो हम बक्से को अपने सर पर रख के पूछ पूछ के कि भाई यूनिवर्सिटी कहाँ है, तो लोगों ने बताया कि ऐसे ही चले जाओ, हजरतन जाएगा, फिर उधर से मुड़ जाना, और फिर वहाँ पे मंकी ब्रिज है उस पर चले जाना, उसके पार ही में नदी के पार करते ही यूनिवर्सिटी है। तो हम पूछ पूछ के वहाँ पहुँचे। जब हम पुल पर पहुँचे तो हमने देखा कि नीचे मंदिर बने हुए हैं। तो मैं मंदिर में आके स्वामी जी के चरण स्पर्श किए मैंने, और स्वामी जी से कहा कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है, मैं पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी में आया हूँ, और न कोई रहने के लिए जगह, न खाने का इंतजाम है। बोले कि बेटा यहाँ तो इतना अन्न आता है कि हम तो खा ही नहीं पाते हैं, तो हमारे यहाँ से तो बहुत लोगों को बटता है, तो तुम भी खा लेना उसमें से, यहाँ कोई हमें तो अन्न की तो कोई कमी नहीं है। और रहा था सोने का, तो सामने एक डाट पड़ी है, पहले पुल था पुराना, अब वो टूट के नया पुल बन गया है, मंकी ब्रिज जिसमें यूनिवर्सिटी की तरफ जाते हैं। पहले पुराना पुल था, तो उसमें एक डाट थी, उसके अंदर खुली रहती थी दोनों तरफ से, तो उसमें रिक्शे वाले, चपरासी, मजदूर लोग आके रात को सो जाते थे। उनके वो सामने है, उसी में तुम सो जाया करना जी। उसी में हम अपना चटाई डाल के सो जाते थे जी। और बक्सा हमने मंदिर में रख दिया उनके में, खाना वहाँ से मिल जाता था, उन्होंने कुछ पैसे दे दिए तो यूनिवर्सिटी में दाखिला करा लिया। तो इस तरह से हमारा काम शुरू हुआ। और फिर एक मिश्री लाल नाम के आदमी थे जो फर्राश, एक झाड़ू पोछा लगाने वाले गौम जो थे उनके बेटे थे, और वो जो गौम इसमें जो दारुशिफा ए ब्लॉक है उसके पीछे फर्राश लोग रहते हैं सफाई कर्मी, उनका बेटे थे। तो उन्होंने हमें अपने यहाँ कहा कि आप ऊपर मंदिर के ऊपर ही कमरा था उनका, बोले तुम हमारा खाना बना दो और बर्तन साफ कर दो तो हम तुम्हें खाना दे देंगे और तुम हमारे कमरे में रह जाओ। तो दो कमरे का उनका ये था, तो उसमें एक में खाना भी बनता था और दूसरे में वो रहते थे, तो वहीं उन्होंने रहने का और खाने का इंतजाम कर दिया। तो इस तरह से हमने शुरुआत की। उसके बाद ट्यूशंस करना शुरू किए, तो ट्यूशन 5-5 रुपये तक के हमको मिल गए, 5 रुपये महीने तक के।
इसके अलावा फिर हम एक MLC थे, उनकी कृपा से दारू शिफा ए ब्लॉक का जो कॉमन रूम है वो हमें अलाउ कर दिया उन्होंने, कि तो शाम को हम वहाँ पढ़ाते थे फर्राश के बच्चों को, और वो सब एक एक रोटी हमारे लिए ले आते थे। तो उस रोटी में इतनी आ जाती थी कि हम रात को भी खाते थे और सवेरे दिन के लिए भी वो रोटी बच जाती थी, उन्हीं को खा लेते थे। कभी ज़रूरत हुई हमें कुर्ते पाजामे की तो हमने उन्हीं बच्चों से कह दिया, तो उन्होंने अपने माँ बाप से कह के कुर्ता पाजामा बनवा दिया। तो इस तरह से हमने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की। हमें ऐसा नहीं मालूम था कि एक दिन कोई इतनी बड़ी संस्था खड़ी हो जाएगी जिसमें 55,000 बच्चे पढ़ेंगे, वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्कूल बन जाएगा। और ये लेकिन हाँ, एक शौक था हमको, वो बचपन से था, वो कमज़ोर बच्चों को पढ़ाने का। जब हम हाई स्कूल में पढ़ते थे GS कॉलेज में सिकंदर राव में, तो अपने से छोटे क्लास के बच्चों को पढ़ाया करते थे निःशुल्क, कोई पैसा नहीं लेना, उनको पढ़ाते थे। तो पढ़ाने का हमको शौक़ था, तो जब यहाँ आए तो ट्यूशन व्यूशन किए, और इसी पढ़ाई के शौक में फिर हमने एक दरख्वास्त दी सीपी गुप्ता जी थे उस समय चीफ मिनिस्टर, उनके यहाँ एक सज्जन हमें ले गए, तो हमने दरख्वास्त दी हमें कोई एक प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग शाम को खुलवा दें तो हम अपना कोचिंग क्लासेस चला देंगे। तो वो उन्होंने झंडे वाले पार्क अमीनाबाद के पास जो बिजली घर है नबीउल्ला रोड है, उस रोड में जहाँ पर ख़त्म होती है वहाँ एक प्राइमरी स्कूल था, तो उसके लिए उन्होंने मुख्य नगर अधिकारी से टेलीफोन कर दिया कि इनको शाम को खोल दिया करो, तुम्हारी तो दिन में पढ़ाई होती है, शाम को ये अपना पढ़ा लेंगे। तो वो शाम को कोचिंग कॉलेज हमारा खुल गया, और कोचिंग कॉलेज से थोड़ा बहुत इनकम आना शुरू हुई, तो उससे फिर गुजारा हुआ। फिर हमारी कोचिंग कॉलेज के बाद हमारी शादी हो गई, हम प्रेसिडेंट हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हुए यूनिवर्सिटी यूनियन के, तो एक पैसा भी नहीं खर्च किया, लेकिन हम इतने वहाँ पर लोगों को हुआ कि भाई सादा जीवन उच्च विचार का आदमी है, तो हमें वोट दे के वाइस प्रेसिडेंट बना दिया। 78 में हमने प्रेसिडेंटशिप का फॉर्म भर दिया चुनाव के लिए, और प्रेसिडेंट हम यूनिवर्सिटी यूनियन के बन गए। तो वो हम उस समय एक पैसा भी इसमें खर्च नहीं किया, हम क्लास टू क्लास जाते थे और वहाँ एक गाना सुनाते थे, और लड़के कहते थे कि तुम गाना सुनाओ तो हम तुम्हें वोट देंगे। तो हम एक गाना सुनाते थे, आज देश को नए विचार चाहिए, आज देश को नए विचार चाहिए, अब न सहन होगी बेबसी की यातना, अंत स्वयं कर रही सृजन की साधना, आदमी का शत्रु आज आदमी बना, तो एक दूसरे से आज हो रही घृणा, तो आदमी को आदमी का प्यार चाहिए, आज देश को नए विचार चाहिए, आज विश्व को नए विचार चाहिए। फिर लड़के कहते थे जाओ आधे वोट पक्के हो गए तुम्हारे, और आधे वोट बाकी के भी चाहिए तो एक गाना और सुनाओ तो हम पूरी क्लास तुमको वोट दे देगी। तो हम दूसरा सुनाते थे, और ये बात है 59 की, आज़ादी मिली थी 47 में, तो 12 वर्ष के बाद की बात है। तो एक एटा के कवि थे बलवीर सिंह रंग, उनका एक गाना मुझे बड़ा पसंद आया, तो वो गाना मैंने याद कर लिया था, उसी को सुनाता था मैं। ओ विप्लो के थके साथियों, विजय मिली विश्राम न समझो, तुमने वज्र प्रहार किया था पराधीनता की छाती पर, तो देखो आंचन आने पावे जन जन की सौंपी थाती पर, तो युगारंभ के प्रथम चरण को गतिविधि का
विश्राम न समझो ओ विपुल हो के थके साथियो विजय मिली विश्राम न समझो। मैंने ये मंत्रियों की तरफ था इशारा कि तुम्हें विजय मिल गई है विश्राम न समझो और ये जनजन की सौंपी थाती है तुम्हें मिनिस्टर बनाया गया है तो इस पर आँच ना नहीं पाए। तो ये गाना बड़ा पॉपुलर हो गया यूनिवर्सिटी में और इतना कि हर क्लास में जैसे हम जाते गाना तो राहुल गांधी जी वोट मिल जाएंगे तो गाने से ही हमको वोट मिले। हमारे खिलाफ विक्रम राव थे जो कि आजकल प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के। एक हमारे संग भगवती चरण वर्मा जिन्होंने चित्र लेखा किताब लिखी थी बहुत बड़ी एक बड़े साहित्यकार थे इंडिया के माने हुए उनके बेटे थे प्रोफेसर धीरेन्द्र बाद में तो प्रोफेसर बने तो धीरेन्द्र वर्मा तो ये भी चुनाव लड़े हमारे खिलाफ। इनके संग 500 लड़के जाते थे जुलूस में। हम कॉमर्स फैकल्टी में थे बीकॉम में एमकॉम में आ गए थे हम तो हमारी फैकल्टी के लड़कों ने कहा हम आपके संग जाएंगे। हमने कहा भाई चुनाव तो हम लड़ रहे हैं तुम क्यों जाओगे। तो हम अकेले जाते थे वोटों से हम जीत गए प्रेसिडेंट हो गए। तो फिर ये हुआ कि भाई यूनियन का उद्घाटन किससे कराएं तो दिमाग में आया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू से क्यों ना कराएं वो हमारे देश के प्रधानमंत्री। तो दिल्ली पहुंच गए। खैर वो मुलाकात तो बड़ी मुश्किल थी लेकिन एक ड्रामेटिक तरीके से मुलाकात भी हो गई और उन्होंने हमने कहा कि आप आइए उद्घाटन कीजिए और वो स्वीकृति भी उन्होंने दे दी और उन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी में आके उद्घाटन भी किया। सर आपने शिक्षा जगत को ही क्यों चुना क्योंकि आप 1969 में एक बहुत अच्छे MLA रहे हैं बहुत अच्छे निर्दलीय उसमें पार्टी में रहे थे उसको त्याग कर आपने एकदम से शिक्षा जगत को चुना तो किस लिए? देखिए शिक्षा में तो मैं जब मैंने यूनिवर्सिटी में ये प्रेसिडेंट हुआ हूँ उसके बाद मेरी शादी हो गई तो हम लोगों ने हमने हमारी वाइफ ने भारती गांधी ने मिलकर तय किया कि हम जीवन में क्या करेंगे। तो हमने शादी में भी एक भाषण हमने दिया एक हमारी पत्नी ने दिया कि हम शादी में क्यों कर रहे हैं और क्या करेंगे। तो हमने कहा कि दोनों मिल करके बच्चों के लिए शिक्षा का काम करेंगे और बच्चों को अच्छे संस्कार अच्छे विचार देंगे। तो ये बचपन से ही हमारे माइंड में क्योंकि हमें पढ़ाने का शौक था तो धीरे धीरे करके यहाँ कोचिंग में पढ़ाने लगे और यहाँ फिर दिमाग में आया कि स्कूल खोल डाले। तो यही अलॉटमेंट का मकान है हमारा किराए का मकान है ये गवर्नमेंट से अलॉटेड है तो इसी में हमने स्कूल खोल दिया। तो यहीं से हमारे बड़ी मुश्किल से घंटा पिटते थे गली गली में और 5 बच्चे बड़ी मुश्किल से हमें 15 दिन के बाद प्राप्त हुए। तो 5 बच्चों से शुरू किया तो बस 5 ही बच्चों से बढ़ते बढ़ते 55,000 बच्चे हो गए और वर्ड ऑफ माउथ से ये चीज़ फैली कि लोगों ने कहा कि वहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई है। तो जो लोगों ने कहा वो विश्वास करते गए लोग और बच्चे आते चले गए। तो सर कैसे जैसे आपने अभी बता रहे थे कि 5 बच्चों से आपने शुरुआत की किस तरीके से आपने 5 बच्चों से शुरुआत करके आज 55,000 से ज़्यादा तकरीबन बच्चे हैं और जिनके लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इस CMS का नाम भी बहुत दर्ज है तो किस तरीके से आपने ये सारी चीज़ें व्यवस्थित की थी किस तरीके से आपने मैनेज किया? देखिए हमारा काम था बच्चों को अच्छी शिक्षा देना अच्छे संस्कार देना अच्छे जीवन मूल्य देना और हम इस काम को करते चले गए। जो बच्चे हमारे पास पढ़ने आए उन्होंने उनके माता पिताओं ने इधर उधर बताया कि मेरे बच्चे वहाँ पढ़ते हैं बहुत इनकी पत्नी भारती गांधी और जगदीश गांधी बहुत ध्यान देते हैं। तो वो बढ़ते बढ़ते मेरा अंदाज यह है कि पहले वर्ष में ही हमें 19 बच्चे हमारे पास हो गए और दूसरे वर्ष में और ज़्यादा हुए। फिर बढ़ते बढ़ते हमने कुछ और किराए पे बिल्डिंग ले ली तो किराए के भवनों में स्कूल शुरू किए और बढ़ते बढ़ते आज इतने हो गए। सर इस दौरान काफी सारे चैलेंजेस भी रहे होंगे क्या चीज क्या कठिनाइयां मतलब आपको देखने को मिली? देखिए कठिनाइयां किस तरीके से मतलब उन कठिनाइयों का सामना? कठिनाइयां सच बात तो यह है कि कठिनाइयों के बिना तो कोई भी जीवन में आगे बढ़ता नहीं लेकिन कठिनाइयों का हमने हिसाब नहीं रखा इसलिए
कि हमने समझा कि तो जरूरी है और ये तो आएंगी ही, तो हमने उसका कोई ऐसा नहीं है कि अपने माइंड में ये बनाया हो कि ये कठिनाई हुई ये कठिनाई हुई, तो हमने कहा कि तो नॉर्मल है ये, तो राम के जीवन में भी कठिनाई आई, अवतारों के जीवन में आई, यीशु मसीह को तो सूली दे दी गई, कीलें ठोक दी गई, मोहम्मद साहब 13 वर्षों तक मौत के साए में जिए, तो ये तो कठिनाइयां तो अवतारों को भी आई हैं, संत और महात्मा को भी आती हैं, तो कठिनाइयां तो विपत्तियां तो जीवन का एक जरूरी अंग है, तो इसलिए कठिनाइयों का कभी हमने रिकॉर्ड नहीं रखा अपने माइंड में कि हमारे पास ये कठिनाई आई, बस कठिनाई आई ईश्वर को बता दिया और उसके प्रयत्न किए दूर हो गई, तो इसलिए कठिनाइयां के बिना तो देखिए कठिनाइयां तो मनुष्य के जीवन का एक समझिए अनिवार्य अंग है, और लेडर्स और सक्सेस पे जाने के लिए एक ही मार्ग है, वो विपत्तियों का और कठिनाइयों का, उसी रास्ते से आप सक्सेस की सीढ़ी पार कर सकते हैं, और कोई रास्ता ही नहीं है, एक ही मार्ग है, कठिनाइयां और विपत्तियां उनको संघर्ष करिए और उनको धैर्य पूर्वक सहन करिए, गॉड विल इंक्रीज द रिवार्ड ऑफ देम दैट एंड्योर विद पेशेंस इन द पाथ ऑफ गॉड, इफ एनीवन रिवाइल यू और ट्रबल टच यू इन द पाथ ऑफ गॉड बी पेशेंट एंड पुट योर ट्रस्ट इन हिम हु हियर इट एंड हु सी इट, ईश्वर देखता भी है सुनता भी है और ईश्वर आपकी सहायता करता है, यदि आपके मन में कोई ऐसे विचार है जो कि ईश्वर का काम करने का विचार है तो ईश्वर सहायता अवश्य करता है। सर ये तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताई, अगर आपके मन में कोई आप अगर कुछ चीज़ ठान लें तो उसके पीछे तो बहुत सारी ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम तो चलती रहती है, और अगर आपने ठाना है तो उसके फिर ईश्वर भी आपका उसका साथ देते हैं। बस कठिनाइयाँ तो उसके अलावा वो तो रास्ता ही वही है, यदि आपको कुछ करना है तो रास्ता तो एक ही है, सारे जितने भी महान पुरुष हुए हैं हम तो हर साधारण आदमी हैं, लेकिन महापुरुषों के जीवन में बहुत कष्ट आए हैं, आप राम के जीवन का कष्ट देखिए 14 वर्षों तक किस तरह उन्होंने कठिनाइयाँ झेली है, तो अवतारों को भी झेलनी पड़ती है, तो साधारण आदमियों को तो झेलना ही है। सर आपका एक ध्येय वाक्य है जय जगत, उसके पीछे भी एक कोई कहानी है, उसके पीछे की क्या कहानी है वो आप बताएं। देखिए ये जो जय जगत है ये एक बहुत ही ऊंचा आदर्श है, और जब आज़ादी मिल गई थी उससे आज़ादी के पहले जय हिंद शब्द यूज होता था, हिंदुस्तान की जय हो, और जब आज़ादी मिल गई तो ऐसा मेरे को ख्याल आता है कि गांधी जी ने विनोबा जी से पूछा कि विनोबा जी ये बताइए कि आज़ादी तो मिल गई अब जय हिंद का तो मानी नहीं, हिंदुस्तान की तो जय हो गई, अंग्रेज की पराजय हो गई, अंग्रेज छोड़ के चला गया हिंदुस्तान, तो अब तो उन्होंने कहा कि बापू आप क्या चाहते हैं, बोले हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति तो वसुधैव कुटुंबकम है, ये बड़ा लंबा शब्द है, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, तो फिर हम सोचते हैं कि सरल शब्द कोई बताइए, तो उन्होंने कहा बापू जय जगत कह दें, तो ये विनोबा भावे ने शब्द निकाला था जय जगत का, और जय जगत हमने जब स्कूल खोला अपना तो पहला जो सेंटेंस हमने बच्चों को सिखाया वो जय जगत का सिखाया, हम बच्चों के मस्तिष्क में कुछ चीज़ें डालते हैं, जैसे वर्ल्ड की एक पार्लियामेंट होती है उसके ज़रिए हम बच्चों के मस्तिष्क में डालते हैं कि बड़े होकर आपको वर्ल्ड की पार्लियामेंट बनानी है, हम बच्चों के मस्तिष्क में सर्वधर्म प्रार्थना, ईश्वर एक है धर्म एक है मानवता एक है और सारे अवतार एक परमात्मा का संदेश लाए हैं, संदेश वाहक हैं, और ये संदेश किसका लाते हैं, एक परमात्मा का, राम का कृष्ण का बुद्ध का मोहम्मद का नानक का ईसा का बाप का बाहुल्ला का, एक ही परमात्मा है, हर एक का परमात्मा अलग अलग नहीं है, तो परमात्मा एक है
और प्राणी मात्र एक है, तो झगड़ा किस बात का है? ये अज्ञान है। तो हमने शिक्षा में इस बात को भी रखा कि बाल्यावस्था से ही हम बच्चों के मन में सर्वधर्म प्रार्थना कराते हैं, एक ही छत के नीचे हो। अब सब धर्मों की प्रार्थना परम पिता है एक सभी का सम्म होइए भावना। तो हम बच्चों को ये सिखाते हैं कि प्रारंभ से ही कि सब धर्मों का सत्कार करें, क्योंकि सारे धर्मों की, राम की मर्यादा, कृष्ण का न्याय, बुद्ध की समता, यीशु मसीह की करुणा, मोहम्मद का भाईचारा, नानक का त्याग, बाहुल्ला के हृदय की एकता, ये सब तो गुण हैं और सारे प्राणी मात्र को इनकी ज़रूरत है। मर्यादा की हर प्राणी को ज़रूरत है, जो राम ने मर्यादा का पाठ दिया था, कृष्ण ने न्याय का पाठ दिया, तो न्याय की शिक्षा तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए ज़रूरी है। तो करुणा का ज्ञान दिया बुद्ध ने, समता का ज्ञान दिया, सम्यक ज्ञान, ऊंच नीच गलत है, ये था ब्राह्मण बड़े ऊंचे, ये छत्री उससे नीचे, और ये वैश्य उससे भी नीचे, और शूद्र सबसे नीचे। तो उन्होंने कहा भाई ये व्यवस्था परमात्मा की बनाई नहीं, परमात्मा ने तो प्राणी मात्र को बनाया, उनके अंदर आत्मा दी है, ये जाति पाति परमात्मा ने नहीं बनाई, ये मनुष्यों की बनाई है। तो ये भी हम बात बच्चों को बताते हैं। तो बुद्ध का संदेश है, और उसके बाद यीशु मसीह आए, तो 7,500 वर्ष पूर्व राम आए, 5,000 वर्ष पूर्व कृष्ण आए, 2,500 वर्ष पूर्व बुद्ध आए, 2,000 वर्ष पूर्व यीशु मसीह आए। तो उन्होंने कहा करुणा, इस पृथ्वी का साम्राज्य उनका होगा जिनका जीवन करुणा में या दया में है। और मोहम्मद साहब आए 1400 साल पूर्व, उन्होंने भाईचारे का ज्ञान दिया। पहली शिक्षा जो एक कुरान शरीफ की है वो है खुदा रब्बुल आलमीन है, रब्बुल मुसलमीन नहीं है, मुसलमानों का खाली रब नहीं है, आलमीन का रब है, यानी धरती के सारे प्राणी मात्र का रब है, सब रब माने परमात्मा, तो वो परमात्मा सारे प्राणियों का है और उसी के संतान है। तो उनकी शिक्षा है भाईचारे की। नानक जी ने कहा ईश्वर अब्बल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे और एक नूर थे सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। तो सारा संसार एक एक नूर से उत्पन्न हुआ, एक परमात्मा से, किसी को भला बुरा न कहो, सब एक परमात्मा की संतान है, सब भाई भाई हैं। तो उन्होंने ये संदेश दिया और त्याग का संदेश दिया। और बाहुल आए, उन्होंने कहा कि एक कर दे हृदय अपने सेवकों के, हे प्रभु और निज महान उद्देश्य उन पर कर प्रकट मेरे विभो। ओ माय गॉड यूनाइट द हार्ट्स ऑफ दाई सर्वेंट्स एंड रिवील टू देम द ग्रेट पर्पस। तो ये बाहुल्ला ने कहा कि भाई सबके हृदय पवित्र होंगे तो एक हो जाएंगे, अपवित्रता है तो एक नहीं हो पाएंगे। तो ये जितने भी संदेश आए एक परमात्मा के, राम लाए मर्यादा का पाठ, कृष्ण आए न्याय का पाठ, बुद्ध लाए समता का पाठ, यीशु मसीह लाए करुणा का पाठ, मोहम्मद साहब लाए भाईचारे का प्याग, और नानक जी लाए त्याग का पाठ, और बाहुल लाए हृदय की एकता। तो ये सारे गुण हर व्यक्ति को ज़रूरी हैं। तो हम सर्वधर्म प्रार्थना कराते हैं, इसके अलावा हम वर्ल्ड यूनिटी की प्रेयर कराते हैं, जिसमें सारे वर्ल्ड के झंडे लेके बच्चे चलते हैं, सारे वर्ल्ड के ग्लोब को अपने हाथ में रखते हैं। तो ये हम बच्चों के माइंड में चीज़ें डाल रहे हैं, और इन चीज़ों की वजह से हमारे बच्चे आज सारे दुनिया में छाते जा रहे हैं, सारे दुनिया में बच्चे CMS के जा रहे हैं, बड़ी बड़ी स्कॉलरशिप लेके, $2,40,000 की स्कॉलरशिप 4 वर्ष के लिए, तो ये बच्चों को मिल रहा है। तो हमारा कहना यही है कि बच्चों की सोच को ऊंचा किया हमने, चिंतन को ऊंचा किया, फिर हमारे यहाँ इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं, मैथमेटिक्स का, साइंस का, कंप्यूटर का, हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी का, इंग्लिश का, तो ये बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हम कराते हैं। तो इंटरनेशनल इवेंट्स में वर्ल्ड के बहुत सारे देशों के बच्चे आते हैं, अपने इंडिया के सभी राज्यों के बच्चे आते हैं, तो हमारे बच्चे उनके साथ खेलते हैं, उसमें भाग लेते हैं, तो उनका एक्सपोजर जो है हम ग्लोबल करते हैं। हमारी चीफ जस्टिस कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें बच्चों को ले जाते हैं, तो चीफ जस्टिसों से वो बातचीत करते हैं,
तो इस सब से क्या है कि उनका आउटलुक ब्रॉड हो जाता है और उसकी वजह से वो जीवन में काफी ऊंचा सोचने लगते हैं। सर, आप भी जैसे पिछले 21 वर्षों से लगातार अंतर्राष्ट्रीय चीफ जस्टिस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करते आ रहे हैं, तो इसका क्या उद्देश्य आपका हमेशा रहा है? देखिए, इसमें उद्देश्य यह है कि द फ्यूचर ऑफ ओवर 2.5 बिलियन चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड एंड द जनरेशन येट टू बी बॉर्न हैज बिकम प्रोग्रेसिवली मोर इनसिक्योर एंड अनप्रोटेक्टेड ड्यूरिंग पास्ट 7 डिकेड्स सिंस द बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा and Nagasaki and the recent spread of international terrorism, global warming, environmental degradation, stockpiling of arms and ammunition, and ever-increasing expenditure on military research and on production of weapons of mass destruction, fear of a third world war and a nuclear holocaust. So, sambhavna ye hai ki third world war bhi ho sakti hai aur nuclear holocaust, yani संसार का कोई भी व्यक्ति बचेगा नहीं। न्यूक्लियर बम चले तो कोई भी व्यक्ति नहीं बचेगा, इतना विनाश हो सकता है। तो इसलिए ये आवश्यक है कि सारे वर्ल्ड की एक पार्लियामेंट हो, वर्ल्ड की एक कोर्ट ऑफ जस्टिस हो, वर्ल्ड की एक गवर्नमेंट हो, वर्ल्ड की एक करेंसी वेट्स और मेजर एक हो, वर्ल्ड की एक भाषा हो जो मातृभाषा और राष्ट्रभाषा के साथ साथ पढ़ाई जाए, तो स्त्री और पुरुष में समानता हो, और साइंस एंड रिलीजन शुड बी हार्मनी इन हार्मनी। इसके अलावा वन पॉलिटिकल ऑर्डर हो वर्ल्ड का, वन इकोनॉमिक ऑर्डर हो, तो ये सब चीज़ें हैं आज ज़रूरत है जी। इनको हम बच्चों को शुरू से माइंड में डालते हैं जी। अच्छा, आप भौतिक शिक्षा के अलावा आध्यात्मिक और मानवीय शिक्षा भी देते हैं, देखिए मनुष्य प्रदान के पीछे मतलब क्या? देखिए, मनुष्य की तीन वास्तविकताएं, मैन इज द मेटेरियल बीइंग, मैन इज द ह्यूमन बीइंग, मैन इज द डिवाइन बीइंग। मनुष्य एक भौतिक प्राणी है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य एक आध्यात्मिक प्राणी है, तो तीन उसकी वास्तविकताएं, थ्री रियलिटीज ऑफ मैन है, तो तीनों का संतुलित विकास बाल्यावस्था से होना आवश्यक है। बच्चों को भौतिक ज्ञान, अंग्रेजी भूगोल, गणित विज्ञान खूब अच्छा पढ़ाना चाहिए ताकि उच्च कोटि के बने, और हमारे यहाँ के रिजल्ट सबसे अच्छे रहते हैं। अब कल भी जो रिजल्ट आया है आईएससी का, उसमें 40 बच्चे हैं जिनका 99.75% नंबर आया है जी। तो ये इंडिया में एक अकेला स्कूल है पूरे इंडिया में जिसके 40 बच्चे 99.75% पाए। तो भौतिक शिक्षा हमारे यहाँ अत्यंत उच्च कोटि की है और सभी रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं। हमारे लार्जेस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं, स्कॉलरशिप पाते हैं और बहुत सारे अचीवमेंट हैं। इसके अलावा ह्यूमन एजुकेशन, मानवीय शिक्षा, क्योंकि बालक के बाल्यावस्था से ही उसके मस्तिष्क में आए को मानव समाज का सदस्य है और ह्यूमन बीइंग का सदस्य है, ही इज़ ए पार्ट ऑफ द ह्यूमैनिटी, तो ह्यूमैनिटी को कॉन्ट्रीब्यूट करना है तो उसको एक कॉन्ट्रीब्यूटिंग मेंबर ऑफ दी ह्यूमन सोसाइटी हम बनाने की कोशिश करते हैं। और तीसरी चीज़ है डिवाइन एजुकेशन, आध्यात्मिक शिक्षा बच्चों को, ताकि ईश्वर के प्रति वो आज्ञाकारी बने और अपने मन में ईश्वर भक्त बने और ईश्वर की आज्ञाओं को समझें और उन पर चलें। तो ये हम तीनों चीज़ें पढ़ाते हैं। सर, जैसा कि आप जानते हैं कि साल 2020 से कोरोना काल की जो लहर चली है उसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है, जिसकी वजह से हमें ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करनी पड़ी हैं, और आने वाले समय में भी जैसे कहा जा रहा है कि तीसरी लहर आने वाली है, उसको देखते हुए किस तरीके से आप अपने जो ये अपने स्कूल का जो एटमॉस्फेयर है किस तरीके से ताकि बच्चों को सही शिक्षा मिले? ये तो सही है कि पढ़ाई तो बच्चे जो क्लास में पढ़ते हैं और टीचर पढ़ाता है और प्रश्न उत्तर होते हैं उससे बच्चे सीखते हैं, फिर क्लास में और बच्चों से दोस्ती भी होती है उनकी और एक दूसरे को शेयर करते हैं, डिबेट होती हैं, कल्चरल होते हैं और वाद विवाद प्रतियोगिताएँ होती हैं, तो बच्चे खेलकूद भी करते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं। तो स्कूल खुलें और ऑफलाइन पढ़ाई हो तो दैट इज़ द बेस्ट। लेकिन अब ऐसा एक किसी ने कल्पना नहीं किया था कि कोरोना जैसा वायरस सारी दुनिया
को उसने तबाह किया है, सारी दुनिया में जो फैल गया कोरोना, तो ये एक इतना भयंकर एक एपिडेमिक या कैलेमिटी आ सकती है तो इसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। तो जब ये आ गया तो उससे फिर क्या किया जाए, फिर तो ऑनलाइन पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो फिर ऑनलाइन पढ़ाई में भी हमारे स्कूल की सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारे पास हमारी बेटी है गीता जी और हमारे रोशन गांधी फरोही हैं, ये लोग बहुत ज़्यादा इसमें थे कि टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से हमारे टीचर्स जाने, और इसके लिए 28 उन्होंने 28 जो आईटी एक्सपर्ट्स हैं उनको अपॉइंट किया और एक चीफ उनका रखा जो आईटी टॉप में हेड बना, और उन्होंने टीचर्स को ट्रेनिंग दी कि हाउ टू यूज़ द डिवाइसेस, कंप्यूटर हैं, लैपटॉप हैं, इनको कैसे यूज़ करें और इनसे कैसे पढ़ाई हो। लेकिन जब ये कोरोना आ गया और 2020 में घोषणा हुई कि स्कूल बंद होंगे, तो हमारे टीचर्स इक्विप्ड थे पहले से ही, तो हमने तुरंत कोरोना ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करा दी। वी वर द फर्स्ट टू स्टार्ट द ऑनलाइन एजुकेशन इन CMS, और हमारे यहाँ इतनी अच्छी ऑनलाइन पढ़ाई है कि हम आपको जितनी भी उसके बारे में बताएं बहुत कम होगी। बहुत अच्छी पढ़ाई है और धीरे धीरे करके लोगों ने उसको बहुत पसंद किया और हमारे टीचर्स इतना इंटरेस्टिंग विषय पढ़ाते हैं, इवन फॉर मॉन्टेसरी नर्सरी और किंडरगार्टन के बच्चों के लिए तो इतना इंटरेस्टिंग बनाते हैं कि बच्चे उस आनंद लेते हैं, क्योंकि उनके कोर्स में पढ़ाई नहीं है कि कोई किताब फॉर्मूला पढ़ाने हो साइंस के या इंग्लिश के ट्रांसलेशन कराने हो, ये ऐसे उनसे लिखवाने हो, ऐसा नहीं। बच्चे छोटे होते हैं उनका तो करिकुलम ही डांस है, म्यूजिक है, गाना बजाना, यही सब उनका करिकुलम है, चिड़िया कबूतर बनाना, आर्ट बना दिया, ड्राइंग बना दी, यही सब है उनका, दिस इज द कोर्स। तो इसलिए इसको इतना इंटरेस्टिंग बना सकते हैं टीचर्स, तो वो एक गजब की इंटरेस्टिंग चीज़ उन्होंने बनाई और ऑनलाइन पढ़ाई से बहुत बच्चों का लाभ हुआ और बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई के लिए सवेरे सवेरे नहा धो करके स्कूल की ड्रेस पहन के अपने घर में लैपटॉप खोल के 9 बजे पढ़ाई शुरू होती है तो 9 बजे बैठ जाते हैं और पढ़ाई करते हैं, इंटरेस्टिंग होती है। तो लेकिन यह है कि हम तो चाहेंगे कि जल्दी स्कूल खुले ताकि बच्चों का और भी विकास हो, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बच्चों का खुलना स्कूल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों का खेल कूद हो, डांस हो, म्यूजिक हो, डिबेट्स हो, अंताक्षरी प्रतियोगिताएँ हों, तो बहुत सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ होती हैं, तो विदाउट एक्टिविटीज़ बच्चों 1.5 साल से करीब करीब 16 महीने हो गए, तो ये बच्चे घरों में बंद हैं। सर आखिर में हम चाहेंगे कि आप हमारे प्राइम टीवी के व्यूअर्स को एक मैसेज दें। मैं प्राइम टीवी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत ही कम समय में प्राइम टीवी ने जो स्थान समाज में बनाया है वो बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। प्राइम टीवी के सभी अधिकारी और कार्यकर्ता बहुत ही परिश्रमी हैं, लगनशील हैं और एक एक व्यक्ति के इंटरव्यू के लिए इतना वो प्रयत्न करते हैं ताकि उस व्यक्ति का इंटरव्यू प्राप्त हो जाए। तो मतलब जितना मेहनत आप लोग कर रहे हैं तो मैं समझता नहीं हूँ कि और कोई चैनल इतनी मेहनत करता होगा, और प्राइम टीवी काफ़ी पॉपुलर होती चली जा रही है दिन प्रतिदिन, और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत मेरी बधाइयाँ आपकी प्राइम टीवी के लिए, और मेरी कामना है ईश्वर से के प्राइम टीवी खूब प्रगति दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करे और समाज की सेवा जो कर रहा है वो ऐसे ही करता रहे। प्राइम टीवी के शो शख्सियत में आज हमने बात की जगदीश गांधी जी से, जिन्होंने अब तक के अपने सफर के बारे में बड़ी दिलचस्प बातें बताई हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने किस तरीके से 5 स्टूडेंट से अपने स्कूल की शुरुआत की थी, जो आज 55,000 से भी ज्यादा बच्चे उनके यहाँ पर पढ़ रहे हैं और शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, बखूबी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी काफी अच्छी लगी होगी, बेहद पसंद आई होगी। अगले शख्सियत में हम फिर हाजिर होंगे एक नए शख्सियत के साथ में, तब तक आप देखते रहिए
प्राइम टीवी।